न्यूज भारत लाइव के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए एक प्रश्न लाया हूँ, आधार 8 cm और ऊंचाई 4 cm का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज को की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। दोस्तों इस सवाल को हम बनाएंगे आपके सामने में लाइव करेंगे, तो आप शांतिपूर्वक देखें। और एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पर पेंसिल का प्रयोग नहीं करूंगा, आपके साथ पेन से ये सवाल बनाएंगे। आप जानते हैं कि पेंसिल से सवाल नहीं दिख रहा है, तो आपके लिए मैं पेन से इस सवाल को बनाएंगे। ठीक, आप बोर्ड में, बोर्ड परीक्षा में या अपने नोटबुक में जब बनाएंगे तो पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, यदि एक बार भी समझ में नहीं आता है तो एक से अधिक बार देखिए। यहाँ पर देखिए, पहले हम इसका रफ एक त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका आधार 8 cm रख दिए और उस पर ऊँचाई डाल दिए 4 cm का, दोनों तरफ से दो भुजा डाल करके एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। अब जैसा है उस अकॉर्डिंग हमको चलना है, 1/2 को तोड़ना है, तो 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3/2 हुआ। ऊपर में ज़्यादा है यानी अंश ज़्यादा है, तो हमारा सवाल जो है वो क्या होगा, त्रिभुज से बाहर बनेगा। ठीक है, यदि अंश छोटा रहता है तो सवाल क्या होता है, त्रिभुज के अंदर ही इसमें बन जाता है। देखिए हम थोड़ा बड़ा करके रेखाखंड तैयार किए हैं, देखिए एक बूंद लगा हुआ है वहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 8 cm है और रेस्ट रखे हैं ताकि हम सवाल में आगे इसका प्रयोग कर सकें। अब यहाँ पर क्या करना है, लंब खींचना है आधा से, और लंब खींच करके दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप क्या कीजिए, अपने प्रकार चाप आधा से ज़्यादा लीजिए, ठीक है, आधा ज़्यादा लेकर के दोनों तरफ काटिए, फिर पहले साइड से वही काम कीजिए, ठीक, काट दिए, कटान बिंदु से पर, ठीक है, पटरी रख करके, ठीक है, पटरी बढ़िया से वहाँ पर बिठाना पड़ेगा, बढ़िया से पटरी बिठा दिए और यहाँ पर 4 cm से ज़्यादा करके खींच लिए। अब पटरी पर 4 cm हम लेंगे, ठीक है, 4 cm लेने के बाद क्या करेंगे, 4 cm ले रहे हैं पटरी पर और इसको काट देंगे, यानी यहाँ तक हमारा सवाल बनेगा। ठीक, अब पटरी से दोनों को मिला देना है दोनों तरफ, ठीक है, मिला दिए, बस इसको भी थोड़ा बड़ा करके रखे हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बाहर बनेगा, इसीलिए थोड़ा बड़ा कर लिए। ठीक, अब पिछले सवाल में जो प्रक्रिया हम अपनाए थे वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। नीचे इस पहले साइड में क्या करना है, बी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर एक लंब खींच देना है, ठीक, लंब नहीं, यहाँ पर न्यूनकोण मारना है बी पर, और न्यूनकोण मारने के बाद देखते हैं यहाँ पर 3/2 है, 3 बार इसको काटना है, ठीक है, 3 बार काटते, 1, 2, 3, 3 बार काटने के बाद, ठीक है, चलिए इसका 3 बार काट दिए और थोड़ा प्रकाश छोटा करके घुमाइए इस चाप को। तो एक काम कीजिए, पहले नाम लिख लेते हैं, B1, B2, B3 नाम लिख लिए, और 2 नीचा में 2 है तो 2 पर क्या कीजिए, प्रकाश थोड़ा छोटा करके घुमाना है, देखिए कैसे घुमाए, ऐसे ही घुमाना है, और 3 पर भी घुमाना है, ठीक, घुमा दिए, और 3 वाले यानी B3 को C से मिलाना है, सॉरी B3 को नहीं, B2 को मिलाना है, B2 को मिलाना है C से, क्योंकि बार बनेगा ना, तो B2 को मिलाएंगे C से, मिला दिए, चलिए B2 को C से मिला दिए, और ये बीच वाला दूरी को नापना है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, इस बीच वाला दूरी को नापिए, नापने के बाद इसको काटना है, ठीक, काट दिए। अब इस कटान बिंदु से, कटान बिंदु और B3 हो करके एक रेखाखंड गुजारना है,
कटान बिंदु और B3, ठीक है, ये दोनों देखिए समांतर हो गया। अब वही काम करना है जो पिछले सवाल में किए थे, इस पर भी चाप को घुमाइए, चलिए यहाँ पर भी घुमाना है और बीच वाला दूरी को नाप लेना है और फिर उसको काटना है, ठीक, उसको काटिए, हाँ कट गया। और यहाँ पर क्या करना है, पटरी रख करके इसको मिला देना है, ठीक है, मिला दिए, ठीक, इसको मिला दिए, बढ़िया से पहले सेटिंग कर लेना है, इसको मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा ये सवाल बनकर तैयार हो गया। उसका नाम E- रखिए, इसका नाम C- रखिए, और इस प्रकार हमारा सवाल बनके रेडी हो गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।